पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने की तैयारी में जुटी हुई है। 17 सितंबर से शुरू हो रहे सेवा पखवाड़ा को लेकर मुरादाबाद में भाजपा कार्यकर्ता बैठक कर धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। महानगर प्रभारी वाईपी सिंह की अध्यक्षता में भाजपा के कार्यकर्ताओं की आज बैठक हुई और आगामी होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद सेवा के कार्य किए जाएंगे, जिसमें रक्तदान, सफाई, सेवा समर्पण आदि के साथ अन्य सेवा कार्य भी शामिल होंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने के लिए धूमधाम के साथ तैयारियां की जा रही हैं। इसी को लेकर आज महानगर प्रभारी वाईपी सिंह के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई और सभी को आगामी कार्यक्रमों को लेकर तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए गए। वाईपी सिंह ने बताया कि इस दौरान सेवा पखवाड़ा के रूप में रक्तदान, सेवा कार्य, सफाई व्यवस्था के साथ अन्य कार्य भी किए जाएंगे। इस दौरान बैठक में मंच पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, नगर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा, के मिश्रा के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। संगठन द्वारा निकाय चुनाव 2022 के निमित्त जो भी रूपरेखा तैयार है उसके पत्रक महानगर में आ चुके हैं और संगठन द्वारा तय संरचना के हिसाब से हमने जो बैठकों की योजना बनाई है आज महानगर में निकाय चुनाव और MLC चुनाव और जो माननीय मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है उसके निमित्त आज कामकाजी बैठक में तीनों आगामी कार्यक्रमों के लिए सारी योजना तैयार है और जो जो पदाधिकारी इसमें लगने वाले हैं उनके नाम तय कर लिए गए हैं। बैठक में जो आगामी कार्यक्रम हैं और हमारे जो इस टाइम दोनों महत्वपूर्ण चुनाव हैं, नगर निकाय चुनाव 2022 और MLC स्नातक चुनाव और आगामी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम, उसके निमित्त योजना बनाई गई और जो जिम्मेदारियां वितरित की गई रही है। आज की बैठक में हमने सेवा ही संगठन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है कि हम सब लोग लोगों की सेवा करेंगे और इसी तरह हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन पड़ता है 17 सितंबर को, उससे एक पखवाड़ा शुरू हो रहा है जिसमें प्रत्येक दिन हम जैसे रक्तदान करेंगे, एक दिन हम लोग TB के मरीजों को जो उनके लिए सहयोग हम कर सकते हैं वो करेंगे। हमारे जो जल ही जीवन है, ये जो मिशन है देश के, हमारी सरकार का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, हम सब लोग इसमें जन जागरण का अभियान चलाएंगे। इसी तरह के हमारे जो पखवाड़ा है इसमें आने वाले हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रम को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, निःशुल्क सेवा, निःशुल्क चिकित्सा, इसी तरह के हम सब लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिससे हम लोग जनता का जागरण करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की और योगी जी की जो सरकार है इसमें जो जन सहभागिता है लोगों की वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसके लिए हम सब लोग ये अभियान चला। लगभग कितने कार्यकर्ता इसमें काम करने वाले हैं, किस तरह की कोई योजना? हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इसमें अपनी पूरी जान फूंकने वाले हैं। मुझे लगता है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसमें लगेगा, हजारों हमारे कार्यकर्ता जो मुरादाबाद के हैं वो सब इसमें सहभागिता करेंगे, बूथ से लेकर हमारे जिला, क्षेत्र, प्रदेश और राष्ट्र स्तर के सभी लोगों को इसमें सेवा और संगठन के जो कार्य हैं इस पखवाड़े में, जो सेवा ही संगठन है, इसके माध्यम से हम सब लोग लगने वाले हैं।